हेलो एवरीवन, वेलकम टू गीक वन चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हाउ टू शेयर इंटरनेट फ्रॉम आईफोन टू पीसी विद यूएसबी। जब हमारे पास वाईफाई की सहूलत मौजूद ना हो और आपको इंटरनेट कनेक्ट करना हो अपने पीसी या फिर लैपटॉप पे, तो उस सूरत में अगर आपके मोबाइल पे डाटा पैकेज एक्टिव है जो कि आजकल 4G और 3G की सूरत में अवेलेबल है, और ये सर्विस आपके आईफोन पे एक्टिव भी है, तो चलिए हम जानते हैं कि हम आईफोन से इंटरनेट को यूएसबी केबल के जरिए कैसे शेयर कर सकते हैं। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ब्राउजर ओपन करें और गूगल सर्च बार में लिखें iTunes डाउनलोड। जो फर्स्ट लिंक apple.com का आएगा, आप उस पर क्लिक करें। उसके बाद ये डाउनलोड पेज है, यहाँ से आप सेलेक्ट करें कि हमें विंडोज़ के लिए डाउनलोड करना है, तो मैं विंडोज़ पे क्लिक करूँगा। विंडोज़ पे क्लिक करने के बाद स्क्रॉल अप करें और यहाँ पे आपको डाउनलोड नाउ का बटन नज़र आ जाएगा। डाउनलोड नाउ के बटन पे क्लिक करें। अगर आपकी विंडोज़ 32-bit है तो आप 32-bit के लिए इस बटन पर क्लिक करें, और 64-bit की सूरत में आप इस डाउनलोड बटन पर क्लिक करें। तो मेरी विंडोज़ का वर्जन 64-bit है, तो मैं 64-bit पे ही क्लिक करूँगा। iTunes की सेटअप फाइल डाउनलोड हो चुकी है, और आप इसको इंस्टॉल करने के लिए आप सेटअप फाइल को ओपन करें। ये सेटअप फाइल है, हम इस पर डबल क्लिक करेंगे। ये सेटअप को लोड करेगा। iTunes की इंस्टॉलेशन काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जस्ट नेक्स्ट, और आप कुछ ही ऑप्शंस चेक कर सकते हैं, और लैंग्वेज चूज करने के बाद आप इंस्टॉल करेंगे। इसकी इंस्टॉलेशन में ये थोड़ा सा टाइम लेगा। iTunes की इंस्टॉलेशन फिनिश हो चुकी है, तो अब आप इस चेकबॉक्स को अगर अनचेक करेंगे तो ये एग्जिट हो जाएगा, लेकिन हम इसको चेक करने के बाद फिनिश पे क्लिक करेंगे ताकि ये iTunes को लोड कर दे। एग्री पे क्लिक करें। iTunes इंस्टॉल हो चुका है, और अब आप स्टार्ट पे क्लिक करके कंट्रोल पैनल को सर्च करें और उसको कंट्रोल पैनल को ओपन करें। कंट्रोल पैनल को ओपन करने के बाद आपने यहाँ से नेटवर्क एंड इंटरनेट पे क्लिक करना है, और उसके बाद नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर। लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं कि चेंज अडॉप्टर सेटिंग्स पे मैंने क्लिक किया है। इसके बाद अब हमने अपने आईफोन को लैपटॉप के साथ यूएसबी केबल के ज़रिए कनेक्ट करना है। सबसे पहले आप यूएसबी केबल को लैपटॉप से कनेक्ट कर लें, और दूसरा एंड यूएसबी केबल का आप आईफोन के साथ कनेक्ट कर दें। अब आईफोन की सेटिंग्स को आप ओपन करें। सबसे पहले आप मेक श्योर कर लें कि आपका वाईफाई इस टाइम ऑफ हो। सेकंड थिंग, आपने ये देखनी है कि आपका जो सिम का डाटा पैकेज है वो एक्टिव हो। थर्ड चीज़, आप पर्सनल हॉटस्पॉट में जाएं और इसको ऑप्शन को ऑन करें। जैसे ही आप ऑप्शन को ऑन करेंगे, आपसे दो ऑप्शंस पूछेगा कि आप इंटरनेट ब्लूटूथ के ज़रिए और यूएसबी के ज़रिए शेयर करना चाहते हैं। तो हम ब्लूटूथ और यूएसबी पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने यूएसबी पे क्लिक किया, हमारे पास ये एक एक्स्ट्रा नेटवर्क कनेक्शन शो हो चुका है, और दूसरी जानिब आप चेक कर सकते हैं आपके आईफोन पे भी एक डिवाइस वो कनेक्टेड शो कर रहा है, जिसको इंटरनेट वो शेयर कर रहा है यूएसबी के थ्रू। अब हम इंटरनेट भी ब्राउज करके यहाँ पे चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि आपके आईफोन से यूएसबी के ज़रिए इस लैपटॉप पे इंटरनेट एक्टिव हो चुका है, और हम बआसानी इंटरनेट को ब्राउज़ कर सकते हैं। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस वीडियो के रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।